प्लेट की लेंथ सेम अपनी 7 इंच रहेगी। ए दो ट्रिक्स हुंदे ना निशान लगाउण दीआं, एक तां इह उहनां ते 6.5 तों रख के 13 इंच तों लैके 14 इंच ते तक निशान लगदा कमर दा। ए वाले निशान ते मार्किंग नहीं करनी गी, ए वाले निशान ते मार्किंग करके इसे निशान ते कट करना आपां। मैं तुहाडे नाल इक सिंपल जिहा आर्म होल दी कटिंग नूं लैके मैथड शेयर करन जा रही हां, जिस वे नाल मैं हमेशा आर्म होल दी कटिंग करदी हां। ते आपां शर्ट दी लेंथ 40 इंच रखनी आ। हुण आपां की करांगे, इत्थे 41 इंच ते निशान लगा लांगे। बिलकुल लाइनिंग दे नाल नाल कट करना, लाइनिंग दे उपर नहीं कट करना गा, कट अगे पिछे नहीं होनी चाहिए, जिवें ऑलरेडी लगे हुए शर्ट दे उपर उसे तरह ही कट लगाउणी आ लाइनिंग दे नाल दे। ये अपने लाइनिंग वाली शर्ट दे बैक ते फ्रंट दी कटिंग सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज दी वीडियो विच तुहानूं आपां लाइनिंग वाले सूट दी फुल कटिंग बारे जानकारी देवांगे। जिहड़ा लाइनिंग वाला सूट आ उह किस तरां कट्टिआ जांदा, पहलां आपां लाइनिंग किस तरां कट्टदे आं, बाद विच उहदा फैब्रिक किस तरां मैनेज कीता जांदा, आर्म होल दी कटिंग किस तरां कीती जांदी आ, स्टैप बाय स्टैप पूरी जानकारी दित्ती जाएगी। लाइनिंग नूं फैब्रिक दे नाल किस तरां अटैच करना उस नूं वी असीं बहुत ही बरीकी ते सौखे तरीके नाल वीडियो दे विच दस्सिआ है। हांजी, साडे सारिआं नूं हत्थ जोड़ के बेनती है कि वीडियो नूं पूरा देखिओ जी, विचों स्किप ना करिओ जी, तां कि तुहानूं वीडियो दे विच जो वी सिखाया गिआ है उसदी जानकारी प्रोपर तरीके नाल मिल सके। चलो आपां तुहानूं दस्सदे आं लाइनिंग वाले सूट दी कटाई आपां किस तरीके नाल करीए तां कि आपां नूं फिटिंग प्रोपर आ जावे। अज आपां लाइनिंग वाली शर्ट दी कटिंग करन जा रहे हां। लाइनिंग वाली शर्ट दी कटिंग आपां किवें करदे हां, सब तों पहलां मैथड सेम ही रहेगा अपना। लाइनिंग नूं आपां 2 फोल्ड करके दोनों पीस इक्वल इस तरह विछा लेने आ। उस तों बाद आपां शर्ट दी मार्किंग करांगे एज अ मेजरमेंट। मैं नाल नाल मेजरमेंट भी बोलांगी, ध्यान नाल सुनियो जी। सब तों पहलां आपां तीरे ते निशान लगावांगे। तीरा आपां 12 इंच रखांगे, तां आपां 6 इंच ते निशान लगावांगे। इसे तरह ही 6 इंच ते नीचे निशान लगा लांगे। इधरों आपां 7 इंच ते इन्हां दोनों नूं आपस विच मिला देंगे। इत्थे भी आपां 7 इंच ते निशान लगा के एक बॉक्स रेडी कर लांगे। इस तरह ये अपना बॉक्स रेडी हो चुके हैं। हुण आपां की करांगे, पहलां फिटिंग दा निशान लगा लांगे। फिटिंग दा निशान आपां 19 इंच फिटिंग रखनी है, तां आपां 9.5 इंच दा निशान लगा लांगे। दैन इस तों बाद इत्थे आपां 5.5 इंच हाफ इंच आपां स्टिचिंग वास्ते छड्ड देना, क्योंकि उपर काट भी पै जूगी ते स्टिचिंग च भी आ जाएगा। 6.5 इंच टेप रखांगे, तां आपां अपर चाक लवांगे 22 इंच। ये अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हुंदा कि आपां कस्टमर दे मेजरमेंट दे अकॉर्डिंग ही आपां अपर चाक ते निशान लगाउणे हुंदे आ। हुण आपां हिप दा निशान लगा लांगे। हिप आपां 19.5 इंच तैयार रखनी आ, तां आपां 10.25 इंच ते निशान लगावांगे। इधरों आपां 12.5 ते ये आपां 2 इंच एक्सट्रा मार्जिन दे दांगे। इसे तरह ही आपां घेरे दे निशान लगा लांगे, 10.5, 12। हुण आपां मेन पहलां प्लेट्स दे निशान लगावांगे, उस तों बाद कमर दा निशान लगावांगे। इत्थे आपां इंची टेप रखांगे। प्लेट्स आपां 10 इंच ते रेडी करने आ, तां आपां 10.5 इंच ते निशान लगा लांगे। प्लेट दी लेंथ सेम अपनी 7 इंच रहेगी। उस तों बाद आपां 4 इंच ते निशान लगावांगे। सेंटर स्पेस आपां 4 इंच रखदे आ। जे ज्यादा हेल्दी परसन आ तां आपां 4.5 इंच भी कर दांगे। हुण आपां कमर दा निशान लगा लांगे। पहलां कमर आपां 16 इंच तैयार करनी आ, तां आपां 8.5 ते निशान लगावांगे, क्योंकि जदों आपां प्लेट्स पावांगे तां 1/2 इंच विच सीन दे चला जाऊगा। हुण आपां साइड प्लेट पा लांगे। इत्थे आपां 2 इंच ते इहनूं इस तरह टेढ़ा रख के निशान लगा लांगे। ये दो ट्रिक्स हुंदियां निशान लगाउण दीआं, एक तां इह उहनां ते 6.5 तों रख के 13 इंच तों लै के 14 इंच ते तक निशान लगदा कमर दा, ते प्लेट्स दे निशान इत्थों तक पैणगे। बाकी आपां टेढ़ा करांगे उस नूं, इस नूं सिलाई नूं जिहड़ा अपना कमर वाला निशान हुंदा इहनूं कट करदे टाइम 13 तों 14 दे विच विच ही रखणा हुंदा। इधरों भी आपां 2 इंच दी स्पेस रख के इहनूं आपां शोल्डर वाला प्लेट ते निशान लगा लांगे। 2 इंच 2 इंच ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ 2 ਇੰਚ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਇੰਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਸ ਤੇ ਮਾਰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਗੁਲਾਈ। 1/2 ਇੰਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਮਰ ਤੇ ਹਿੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ
चाहे तो आप 7 स्केल की हेल्प नाल भी मैच कर सकते हैं सीधा इस तरह जा वैसे भी मार्क कर सकते हैं। इस तरह अपनी मार्किंग हो चुकी है। हुण आपां इन्हां नूं दोनों निशानों नूं आपस विच मिला देंगे। ए वाले निशान से मार्किंग नहीं करनी, ए वाले निशान से मार्किंग करके इसे निशान से कट करना। आपां हुण आपां प्लेट्स के निशान दूसरे साइड्स से भी लगा लेंगे कि प्लेट्स के निशान किस तरह लगते हैं। हुण आपां ट्रेस व्हील की हेल्प के नाल निशान बैक साइड से लगा लेंगे। इस तरह हम अपनी शर्ट से निशान लग के रेडी हो चुके हैं। हम आप आर्म होल का नाप लवेंगे ताकि आप जो बाजू का आर्म होल उसका वे जान सकिए। इस तरह आप कट करांगे इतों रख के आप इंची टेप में गोल घुमा के इस तरह निशान नाप लै लेंगे। आप पौने 10 से अपना शोल्डर रेडी हो चुके हैं। पौने 10 आप आर्म होल की कटिंग करांगे। इनू आप इस तरह कट्ठा कर देंगे। पहले आप शर्ट पीस न इस तरह टू फोल्ड करके एक साइड बिछा लेंगे। इतने आप जो लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग करनी है आप उदों पहला एक साइड ही कट करनी है। पहला आप बैक साइड की कटिंग करा इस तरह एक साइड बिछा के उस तो बाद आप करेंगे जी आप लाइनिंग कट की इस तरह अलग कर लेंगे। फ्रंट न बैक साइड न अलग अलग कर लेंगे। इनू आप इस तरह इतने रख देंगे। ये उपर बिल्कुल ये बराबर रखनी है। इस तरह जिहड़ी लाइनिंग अपने शर्ट तो उपर ही रहेगी क्योंकि आप पूरे शर्ट के नाप की लाइनिंग नहीं लवेंगे। ये अपने बैक साइड की लाइनिंग आप बैक साइड के उपर कर लिया। हम आप इंची टेप न इस तरह मैजरमेंट लै लेंगे। आप शर्ट की लेंथ 40 इंच रखनी है। हम आप करेंगे इतने 41 इंच के निशान लगा लेंगे। हाफ इंच अपना कटिंग चला जाऊगा तो हाफ इंच ही अपना स्टिचिंग चला जाऊगा। इतने अपना 3 इंच अपने को एक्सट्रा भी कपड़ा बचे इस तरह इतने 3 इंच बचे तो आप इस तरह 3 इंच के निशान लगा लेंगे। इस तरह ये अपना फोल्डिंग लिए पार्ट हो जाऊगा। इस तरह अपन फोल्डिंग कर लेंगे। हुण आप की करना बिल्कुल लाइनिंग के नाल नाल ही आप कट कर लेंगे। इस तरह पहले इन 7 स्केल की हेल्प न सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ही आप उमें कट लगा लेंगे जिमें जिमें अपनी शर्ट के उपर पहले ही कट लगे हुए हैं ताकि आप स्टिच करते टाइम अपन कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इतने कट लगा देंगे क्योंकि इसको आप फोल्डिंग करनी है। ये अपना बैक साइड कट के रेडी हो चुके इस करके इनू आप इस तरह फोल्ड कर देंगे। इस तरह ही आप फ्रंट साइड कट कर लेंगे। आप ऑलरेडी इन प्रेस करके सैट कर लिया ते एक बार हल्की जी प्रेस दोबारा फिर मार लेंगे। सेम ही उस तरीके नाल आपां इहनूं रख लेंगे। फ्रंट पार्ट नूं भी इस तरह रख लेंगे इहदे उपर सेम उस तरह पहलां आपां इहनूं सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इधरों आपां 41 इंच ते निशान लगा लेंगे। जिन्ना आपां बैक साइड ते निशान लगाया उन्ना ही आपां फ्रंट साइड ते निशान लगा लेंगे। इहना 41 इंच ते अपने कोल लास्ट फोल्डिंग लिए कपड़ा 3 इंच एक्स्ट्रा बच गया। इसे करके इधर भी आप 3 इंच के निशान लगा देंगे। हम आप कट कर देंगे बिल्कुल लाइनिंग दे नाल नाल कट करना। लाइनिंग के उपर नहीं कट करना गा। सेम आप उस तरह ही कट लगा लेंगे। कट अगे पिछे नहीं होनी चाहिए जिवें ऑलरेडी लगे हुए शर्ट के उपर उस तरह ही कट लगाने लाइनिंग के नाल क्योंकि तो आप कट मार्किंग करके लगाए हुए हैं। इस करके कट अगे पिछे नहीं होने चाहिए। ये अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई है। ये अपने लाइनिंग वाली शर्ट के बैक से फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। हम आप बाजू की कटिंग कर लेंगे। आप बाजू का कपड़ा इन मैं ऑलरेडी टू फोल्ड कर चुकी हाँ। इनू आप पहले चंगी तरह प्रेस कर लेंगे। पहला 7 स्केल की हेल्प नाल निशान लगा लेंगे।
दोनों साइड्स से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। मैं तुहाडे नाल एक सिंपल जा आर्म होल दी कटिंग नू लेके मेथड शेयर करन जा रही हां, जिस वे नाल मैं हमेशा आर्म होल दी कटिंग करदी हां। जिवें कि आपां पहला नाप ले लिया सी शोल्डर दा 1.5 इंच आपां नाप ले लिया सी, तां इहनू आपां 2 इंच कटा लांगे, 1.5 ते निशान लगा लांगे, इधरों आपां 3.5 इंच ते मार्किंग कर देंगे। फिर इत्थे आपां इहनू एक लीफ बना लांगे इस तरह, ਇਦੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰੀ ਆਪਾਂ 5 ਇੰਚ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। 5 ਇੰਚ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, 2 ਇੰਚ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਜਨ 7 ਇੰਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਜੂ ਦੇ ਆਰਮ ਹੋਲ ਦੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਕਾਰਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 1, 2, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੱਲੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਪੱਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਆਰਮ ਹੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਮ ਹੋਲ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਆ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮ ਹੋਲ ਤੇ ਬਾਜੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ ਜੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਜੂ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਬਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ 1, 2, 3 ਦੀ 4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਕਾਟ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।